किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना, ये मोदी सरकार की भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश सरकार, दो योजनाएं हैं हमारी खरीदी की, उनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी करेगी। फसल आने में देर है। सोयाबीन की फसल खरीदी पे किसानों के कई जगह प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ो ऐलान करे है और सोयाबीन खरीदी को लेकर देश के अन्य राज्यों के संग ही मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ो बयान दो है। आप भी सुनो शिवराज सिंह चौहान को जो ऐलान। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, किसान हितैषी प्रधानमंत्री है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन किसानों का खरीदेंगे, किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना, ये मोदी सरकार की भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है और उसके लिए योजना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे तीन राज्यों ने सोयाबीन खरीदी की मांग की थी और उनको पीएसएस योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश की सरकार के हम संपर्क में हैं, अभी सोयाबीन की फसल आने में थोड़ी देर है। मध्य प्रदेश सरकार, दो योजनाएं हैं हमारी खरीदी की, उनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी करेगी। हम तत्काल अनुमति देंगे क्योंकि ये तो मोदी जी की प्राथमिकता है, किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम देना। ये फसल आने में देर है और प्रदेश सरकार से हमारे अधिकारी संपर्क में हैं और जल्दी फैसला होगा। मैं मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के सहित अन्य राज्यों में भी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने तय की है उस पर जो सरकार की योजना है, क्योंकि खरीदी हम राज्य सरकार के साथ ही मिलकर करते हैं, तो राज्य सरकार जैसा चाहेगी तत्काल खरीदने की अनुमति दी जाएगी। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।